जिस रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल की ख्वाहिश आज हम सब करते हैं वो एक समय बैंकरप्ट होने वाली थी। आइशर मोटर्स ने साल 1990 में ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी से रॉयल इनफील्ड को खरीद लिया, लेकिन साल 1990 से 2000 के बीच रॉयल इनफील्ड की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। इनफैक्ट उन्हें बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए। ऐसे में उनके एग्जीक्यूटिव ने सोचा कि हमें रॉयल इनफील्ड को शायद बंद कर देना चाहिए। इसी बीच कंपनी के चेयरमैन मिस्टर विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने कहा कि रुकिए, मैंने खुद रॉयल इनफील्ड को मुंबई से लेह तक चलाया है और मुझे इस बाइक में बहुत पोटेंशियल नजर आता है। आइशर मोटर्स के सीईओ बनने के बाद सिद्धार्थ लाल ने कुछ 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जिसकी वजह से कंपनी बहुत सक्सेसफुल हुई। पहला, उन्होंने बाकी बिजनेसेस जैसे कि फुटवेयर, टेक्सटाइल और मशीनरी बिजनेस बंद कर दिए और फोकस रखा सिर्फ बाइक और ट्रक बिजनेस पर। सेकंड, उन्होंने गाड़ी में यंग जनरेशन के माइंडसेट के अनुसार कुछ चेंजेस लाए, साथ ही अलग अलग इवेंट्स के जरिए राइडर्स की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई। और थर्ड, उन्होंने इस बाइक की हीरोइक मार्केटिंग की जहां पर मूवी के हीरोज और एक्सेप्शनल पर्संस रॉयल एनफील्ड चलाते हुए दिखाए गए, जैसे कि द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में ब्रैड पिट और जब तक है जान में शाहरुख खान। ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस फैक्ट्स के लिए कन्वे को सब्सक्राइब कीजिए और सारे रॉयल एनफील्ड लवर्स के साथ इसे शेयर कीजिए।